बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। सऊदी वजारत दाखिला ने कोरोना की खराब सूरत हाल के बायस सऊदी शहरियों को इंडोनेशिया के सफर से रोक दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला ने इंडोनेशिया में कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ जाने पर वहाँ मौजूद सऊदी शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया, जबकि इंडोनेशिया का सफ़र करने वालों को रोक दिया गया है। वजारत दाखिला ने इंडोनेशिया में मौजूद अपने शहरियों से कहा है कि वो एहतियात बरतें और इन इलाकों से दूर रहें जहाँ वायरस तेज़ी से फैल रहा है। इस हवाले से एहतियात का मुजाहरा किया जाए और जल्द अज जल्द मुमलिकत वापस आ जाएं। सूबह हिनान में शदीद सैलाब, पाकिस्तान की जानिब से मदद की पेशकश। चीन ने सूबह हिनान में तबाहकुन सैलाब के दौरान पाकिस्तान की जानिब से मदद और देखभाल पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक सदाबहार तस्वीराती तावन पर मबनी शराकतदार और हकीकी दोस्त हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने मामूल की ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि चीन के सूबा हिनान में सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से दुख, अफसोस और मदद के जज्बे के इजहार पर शुक्रगुजार हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, सिक्योरिटी के फ़राइज पाक फ़ौज अंजाम देगी। पाक फ़ौज ने 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के इंतखाबात में सिक्योरिटी के फ़राइज अंजाम देने की जिम्मेदारी उठा ली। पाक फ़ौज के शोबा तालुकात आमा SPR के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने पाक फ़ौज को सिक्योरिटी इंतजाम संभालने के लिए तलब कर लिया। ISPR का कहना है कि पाक फ़ौज क्विक रिएक्शन फोर्स के तहत 22 से 26 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर में तैनात रहेगी। चीन ने माइक्रोसॉफ्ट पर साइबर हमलों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चीन ने अमेरिका और उसके इतिहादियों की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट पर साइबर हमले के इल्जामात को मनगढ़ंत करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक चीन हर तरह के साइबर जराइम की मुखालफत करता है और इस इल्ज़ाम को मनगढ़ंत करार देता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने चीन पर साइबर सिक्योरिटी के मामले पर बिलाजवाब तनकीद के लिए अपने सारे इत्तेहादियों को जमा किया है। दुबई में गर्मी से बचने के लिए मस्नूई बारिशें। मुतहदा अरब अमारात के महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी से बचने और खलीजी मुल्क में बारिश को बढ़ाने के लिए बादलों की मदद से मस्नूई बारिशें करवाई गईं। बारिशों की वजह से मुख्तलिफ शहराओं पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को शहराओं पर ड्राइविंग करने में मुश्किलात पेश आईं। जनूब मशरकी एशिया में ये मंजर आम होता है, मगर ये एशिया नहीं बल्कि मुतहदा अरब अमारात हैं जहाँ गर्मी से बचने के लिए मस्नूई बारिश करवाई गई। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की 17 साल लड़की को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से मुलाकात का झांसा देकर मुंबई स्मगल किया जा रहा था, जिसे मुंबई पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बाजियाब करवा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की शाहरुख खान की मद्दाह थी और अपने पसंदीदा अदाकार से मिलना चाहती थी। पुलिस की जानिब से बाजियाब करवाए जाने के बाद लड़की को एक शेल्टर होम भेज दिया गया है, जबकि मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी शिनाख्त सुभान शेख के नाम से हुई है। बीजेपी रहनुमा का अमित शाह से जिना हाउस को सकाफती मरकज में तब्दील करने का मतालबा। भारतीय जनता पार्टी BJP के रहनुमाओं ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुंबई में वाकया जना हाउस को सकाफती मरकज में तब्दील करने का मतालबा कर दिया। BJP की मुंबई यूनिट के रहनुमाओं ने भारतीय जनता पार्टी के वजीर दाखिला अमित शाह से मुंबई के तारीखी जना हाउस को जनूबी एशिया के मरकज बराए आर्ट्स एंड कल्चर में तब्दील करने की अपील कर दी।
मुमकिन है तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। अमरीकी वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टन और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले का कहना है कि मुमकिन है तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। अमरीकी हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा है कि ये भी हो सकता है कि मुज़ाकरात से अफगानिस्तान का सियासी हल निकल आए। उन्होंने मजीद कहा है कि अफगानिस्तान की फजाई निगरानी जारी रखेंगे। मकसद यही है कि अफगानिस्तान से शिद्दत पसंदी और तशद्दुद ना फैले। अमरीकी हुकाम का मजीद कहना था कि काबुल से बाहर अफगानिस्तान में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को अफगान महकमा दिफा के हवाले कर दिया गया है। अमरीका के पास फजाई हमले करने की सलाहियत मौजूद रहेगी। चीन में बारिशों का 1000 साल रिकॉर्ड टूट गया, जबकि बारिशों से अब तक 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान होने वाली ख़तरनाक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बारिशों से गाड़ियां, गलियां और स्टेशन पानी में डूब गए हैं। सीव्यू पर फंसे गैर मुल्की कंपनी के बहरी जहाज को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद साहले समंदर पहुंच गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कराची के तफरीही मकाम सीव्यू पर फंसा बहरी जहाज शहरियों की तफरी का जरिया बन गया। गुज़िश्ता रोज कंटेनर से लदा बहरी जहाज साहल की रेत में फंस गया था, जिसे देखने के लिए साहल पर तफरी के लिए आने वालों का रश बढ़ता जा रहा है। क्या रहे कि केपीटी हुकाम का कहना है कि जहाज को निकालने के लिए ताकतवर साल्वेज टग इस्तेमाल करना होंगे। तहम जहाज की मालिक कंपनी ने रेस्क्यू करने की अभी तक बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बड़ी खबर, अमरीकी कंपनी की तैयार करदा फाइजर वैक्सीन की मजीद खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक 14,000 खुराकों पर मुश्तमिल फाइजर वैक्सीन की खेप गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुतलका हुकाम ने फाइजर वैक्सीन EPI के हवाले कर दी। ज़राए का कहना है कि फाइजर को EPI के मरकजी गोदाम में मुंतकिल किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि इनका मुल्क कब्रस की हैसियत तस्लीम करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करेगा। ईद उल अज़हा के मौका पर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के अरकान से वीडियो खिताब में उन्होंने कहा है कि तुर्क कब्रस अपनी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगा। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का कहना था कि ये कब्रस के तनाज़ा के हल की कलीद है। अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से तनाज़ा के जामे हल की सफारती कोशिशों के बावजूद यूनान तुर्की के दरमियान कब्रस का मसला गुज़िश्ता कई अशरों से तस्फीहा तलब है। लैंडस्लाइडिंग से बंद शहरा कराक्रम को 36 घंटे गुजरने के बावजूद बहाल न किया जा सका। लैंडस्लाइडिंग से चिल्लास और गिलगत का ज़मीनी रबता भी तहाल मुनकिता है। मुख्तलिफ मकामात के इर्द गिर्द बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं, जिससे वहाँ मौजूद सियाहों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इत्तला के मुताबिक शहरा कराक्रम के मुतद्दिद मकामात पर पत्थरों की रुकावट से सियाह फंसे हुए हैं, जबकि हुकाम की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। बरतानिया के इलाके मैनचेस्टर में खूबसूरत फूल उगाने का मुकाबला जारी। शहर के मुख्तलिफ पार्क्स को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस तफरीही सरगर्मियां मुतासर हुई, वहीं बरतानिया में वैक्सीनेशन के बाद एक बार फिर जिंदगी के मैदान फिर से आबाद होने लगे। मुल्क का मौसम खुशगवार होते ही बरतानवी किसानों के दरमियान खूबसूरत फूल खिलाने के मुकाबले शुरू हो गए। मुकाबले के उम्मीदवारों को शहर के मुख्तलिफ पार्कों में जगह दी गई, जहाँ उन्होंने खूबसूरत फूल उगाए हैं जो आवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुसल्ला फौज पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएगी। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और उनकी अहलिया हरिपुर के करीब कैप्टन बासित शहीद के घर गए, जहां उन्होंने कैप्टन बासित के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कैप्टन बासित के अहले खाना से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि कौम को वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले हीरोज पर फख्र है। उन्होंने कहा है कि वतन के दिफा के लिए जान से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं हो सकती।
क्या रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद उल अज़हा ज़िला करम में अफगान बॉर्डर पर नौजवानों के साथ मनाई थी। जी तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।